इंदौर में कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें नए युवा के साथ ही सक्रिय और अनुभवी पार्षदों को मौका दिया गया है। वार्ड क्रमांक 24 से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जीतू यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। सूची में नाम घोषित होने के बाद ही कार्यकर्ताओं व भाजपा नेताओं ने पार्षद प्रत्याशी जीतू यादव को बधाई दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 24 के पार्षद प्रत्याशी जीतू यादव ने उन्हें प्रत्याशी चुने जाने पर पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं उन्हें मैं बखूबी निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य करने वाली पार्टी है, जो आगे भी होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में कार्यकाल में पार्षद रहते हुए उन्होंने वार्ड में कई विकास कार्य किए हैं, जिसमें सुंदर गार्डन के साथ ही वार्ड में सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी किया है। साथ ही वार्ड के कुलकर्णी भट्टे के ब्रिज का निर्माण कार्य भी किया गया है। देखिए, पार्टी और संगठन ने जो दायित्व मुझे दिया है, जिस पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं और मेरे सारे परिवारजन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यह प्रयास करेगा कि पार्टी ने जो हमें यह जवाबदारी दी है उसको हम खरे उतरे। और पिछली बार भी जो पार्टी हमारे लोगों के बीच जाकर जो भी बात रखी थी, जैसे टंकी की हो गई, ब्रिज की हो गई, गार्डन की हो गई, लोग अगर नर्मदा की लाइन डाल के पानी पहुँचाने तक की हो गई, और विभिन्न विभिन्न जो भी समस्याएं एक वार्ड में रहती है उसको दूर करने का अथक प्रयास करा है। आगे भी हमारी दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे, एक सरकारी कॉलेज की और एक सरकारी अस्पताल की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रोजमर्रा का जीवन जीने वाला वार्ड है, प्रत्येक व्यक्ति रोज कमा के खाने वाला रहता है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सरकारी कॉलेज हो जाएगा और सरकारी हॉस्पिटल हो जाएगा, तो मुझे लगता है वार्ड में संपूर्ण सुविधाएं लोगों को मिलने लग जाएगी। और जो भी रोजमर्रा का जीवन, जो रोज छोटी मोटी सुविधाएं नगर निगम द्वारा मिलती जाती है, उसका तो मैं मेरी टीम वर्क पूरा प्रयास करती है कि उनको मिले। तो आगे भी पार्टी ने जो दायित्व दिया, एक तो पार्टी और संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर विधायक श्री रमेश मिंदोला जी का, जिन्होंने मुझे वापस ये योग्य समझा कि मुझे टिकट दिया। मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 24 के परिवारजनों की ओर से और कार्यकर्ता जनों की ओर से आदरणीय विधायक जी का और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अपने नाम जी लिस्ट में भी काफी अटकलें चल रही थी, अपने नाम को लेकर कितना अच्छा। देखिए, लिस्ट नहीं, पार्टी और संगठन जो तय करेगा ना, वो भारतीय हमारे अध्यक्ष जी बोलते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा नेता कमल का फूल। हमारे उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ भी छीन लिया और उससे लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता और उसका नेता एक ही है और उसका नाम है कमल का फूल। श्रद्धा मैरिज गार्डन बुकिंग प्रारंभ। शहर के मध्य महू रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, राव मेडिकैप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, हरसोला फाटा पर स्थित सब सुविधा युक्त 23 कमरे उपलब्ध एवं 5,000 स्क्वायर फीट कवर्ड हॉल व 4,000 लोगों की पार्टी हेतु ओपन गार्डन सुविधा, पर्याप्त पार्किंग, मांगलिक कार्य हेतु कम खर्च में श्रेष्ठ गार्डन, न्यूनतम शुल्क में सभी सुविधाएं। श्रद्धा मैरिज गार्डन में आपको मिलेगा गार्डन, कमरे, कवर्ड हॉल, सगाई स्टेटस गार्डन के साथ डेकोरेशन एवं कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें श्रद्धा मैरिज गार्डन, महू सिमरोल रोड, हरसोला फाटा, महू। मोबाइल 9340295351, 8827696031।